आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं सोबेश भैया यूट्यूब चैनल करियामई वाले जो हैं, इसके जो रिकॉर्डिंग करता है हमारे सोबेश भैया उर्फ अभिषेक भैया करियामई वाले, जो भी हमारे शेष कार्यक्रम हैं, जो भी हमारे अन्य प्रोग्राम हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। इसी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी हमारे, हाँ भैया देखते हैं भाग नंबर चार में परम संत विष्णु देवानंद गिरी महाराज जी के बारे में भाग नंबर चार में देखेंगे। जैसे ही स्वामी जी दोपहर के समय, जेठ का महीना है, गंगा मैया के किनारे पर साधु बड़ी सप्तऋषि आश्रम पर जब आए हैं, तब स्वामी जी ने देखा कि दूसरी पार पर कई भक्त स्नान कर रहे हैं, काफी संख्या में हैं और कुछ दूर हटकर के आश्रम भी है। और जैसे ही आश्रम पर आए हैं प्रभु जी ने, आश्रम पर जब संत को देखा है तो कहने लगे, अगर कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो तो हमें भोजन करा दो। लेकिन हुआ ये, कई स्वामी जी समझाई रहने का भोजन हमें कराइयो, भैया प्रमोद। महाराज कई स्वामी जी ने समझाए, कछ हो में कछु प्रसाद हमें कदी जो जरा खेला, हम कोना गिराई भारी भूख के छोड़ो भोजन दे दियो, हम कोना गिराई भारी भूख के हम को भोजन दे दियो। स्वामी ब्रह्मनाथ विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी आए हैं उस आश्रम पर, संत को देखा है, कहा भोजन की इच्छा प्रकट की, अगर कोई भोजन प्रसाद हो तो हमें दे दो। उसी समय संत जी ने कहा कि आटा रखा है मंदिर में और एक लौकी को दे दिया, और स्वामी जी ने स्वयं भोजन को बनाया और सभी भक्तों को ग्रहण करा दिया। एक रोटी और थोड़ी सी लौकी की सब्जी को खाया, मन को शांति मिली है। उसी समय कुछ भक्तों ने जब स्वामी जी के ऊपर दृष्टि डाली है, देखा है कि ये तो वाकई में कुछ सच्चे संत मालूम पड़ते हैं, क्यों ना हम इन्हें अपने गांव में ले जा करके इनसे एक आश्रम का निर्माण कराएं। कुछ खेड़ा गांव के रहने वाले भक्तों ने स्वामी जी से सवाल किया और प्रार्थना की, विनम्र किया, पैरों को पकड़ लिया है और बोले हैं भैया सोबेश कि अरे तुम चलो हमारे साथ, और भगत तन ने गिरा सुना, चलिया हमारे
प्रार्थना को सुना स्वामी जी ने जवाब दिया, भक्तों मैं गंगा मैया की परिक्रमा करने के लिए आए हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। भक्तों ने पैरों को पकड़ लिया, कहने लगे स्वामी जी आपको हमारे साथ चलना ही होगा प्रभु। और बोले हे प्रभु, अगर तुम हमारे नगर में चलकर के आज तक हमारे नगर में कोई मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, हमारी ये इच्छा है कि आपके कर कमलों के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। लेकिन स्वामी सोचन लागे मन में, गिर गए भक्त सभी चरणों में। महाराज जी के बोले स्वामी जी सोचन लागे, गिर गए भक्त सभी चरण में। कर दी जो हमरो कल्याण, रे भगवान तन में विराज ना। मंदिर दियो बनवाई। आज मेरे भक्तों, जैसे ही विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी से गांव खेड़ा फतेहपुर के रहने वाले कुछ सज्जनों ने सवाल किया, प्रार्थना की, आग्रह किया कि हे स्वामी जी आप हमारे साथ हमारे नगर में चलो, और हमारे गांव में आज तक कोई मंदिर नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा आपके कर कमलों से हमारे नगर में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। स्वामी जी ने जवाब दिया, भक्तों मैं गंगा मैया की परिक्रमा करने आया हूँ, मैं गंगा मैया की परिक्रमा करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास जरूर आएंगे लौट करके। लेकिन जब ज्यादा ही भक्तों ने निवेदन किया है, पैरों को पकड़ लिया, और जब अधिकतर प्रार्थना की है, तभी भगवान की असीम कृपा से भगवान सभी भक्तों के साथ चले हैं। और जो खेड़ा फतेहपुर के रहने वाले थे, सभी भक्तों के साथ स्वामी जी चले और जाकर के जब पहुंचे हैं, धीरे धीरे रहने लगे हैं स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी प्रत्येक माह के महीने में भैया सोबेर गंगा मैया के किनारे पर आकर के एक टांड को गाड़ करके गंगा मैया का भजन करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं। और इतना ही नहीं है भैया,
नित करे प्रभु को ध्यान, गंगई स्नान मन हरसाते। और रुई जाना चार घंटा घड़े के जल में प्राप्त हो जाते। जैसे ही प्रातः काल होता है भगवान का भजन करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं और प्रतिदिन चार घंटा स्वामी जी जल में खड़े हो जाते हैं। स्नान करते हैं स्वामी जी, गंगा मैया के किनारे पर बीहड़ में एक टाण को गाड़ करके महाराज जी वहां के महीने में रहते हैं, कल्प वास करते हैं। लेकिन स्नान करते हैं गंगा मैया में, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन एक दिन की बात है स्वामी जी रात के समय भगवान के भजन में लीन है, भगवान के भजन में बैठे, तभी अचानक से कुछ डांगू स्वामी जी को धमकाने लगे। लेकिन भगवान की योग माया से, भगवान की कृपा से, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि वो सारी रात घूमते रहे, लेकिन लला विपन उन्हें स्वामी जी का टाण ही नहीं मिला। क्या थी कृपा भगवान की, के प्रभु की लीला जगन लाली है। सारी रात गई बीत, प्रभु को टाड़ नहीं
आज मेरे भैया। धीरे धीरे सारी रात हो गई, लेकिन जोरों ने बहुत प्रयास किया महाराज जी का टाण ढूंढने का, लेकिन कोई पेश नहीं गई। जैसे ही प्रातः काल हुआ और जैसे ही स्वामी जी टाण से जब नीचे उतरे, संतों ने पैरों संत के पैरों को पकड़ लिया। चोरों ने कहने लगे, स्वामी जी हमें क्षमा कर दो, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे और हुआ ये विपत्। आर बीती सारी हिरा तिरे नए टाण मिलो मेरे भाई, चोरों ने कहा गुरुदेव हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारी माया को समझ नहीं पाए। उसी समय स्वामी जी ने कहा, भैया आप चोरी करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर आप मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दूंगा। बोले क्या? उसी समय कहने लगे, भैया आप जो चोरी का काम करते हो ये बुरा है, गंगा मैया के किनारे पर रहते हो, तुम्हें नहीं मालूम है गंगा मैया की कितनी बड़ी कृपा होती है भक्तों पर। और बोले, अरे रे गंगे महारानी, बोले स्वामी जी विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी, चोरों से तुम जो चोरी करते हो वो काम छोड़ दो, कितनी कृपा है गंगा मैया की। अरे रे गंगे महारानी, स्वर गान से
समझाया है स्वामी जी ने चोरों से, कहा तुम जो चोरी करते हो वो चोरी करना छोड़ दो और गंगा मैया का स्नान किया करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज चोरों के लिए स्वामी जी ने क्षमा किया। कहने लगे गंगा मैया की वो कृपा होती है भक्त के ऊपर कि अगर भक्त गंगा मैया में नित्यनेम स्नान करे तो उसका सदा सदा के लिए उद्धार हो जाता है। और समझा के बोले हैं स्वामी जी, अरे गंगा देखो निर्मल धार, मेरो मन यमुना किनारे ते गंगा तेरी निर्मल धार, मेरो मन गंगा किनारे। ए ते गंगा तेरी निर्मल धार, मेरो मन गंगा किनारे गंगा तेरी। बोले भक्तों, तुम गंगा मैया के किनारे पर रहते हो ये चोरी करते हो, लेकिन गंगा किनारे मंदिर बहुत है। गंगा किनारे मंदिर बहुत है, समझा के बोले स्वामी जी चोरों से के, जा संग बजे रे सुबह शाम, तेरो मन गंगा किनारे गंगा तेरी निर्मल धार, तेरो मन गंगा किनारे गंगा तेरी। और बोले गंगा किनारे साधु रहे प्रमोद, गंगा किनारे देखो साधु रहे, जो हमारे स्वामी जी का आश्रम है बोली गंगा के किनारे है सोवे तो भैया। अरे दा भजन हो सुबह शाम, जहाँ पूजा हो भैया का कसी बाले रहे सुंदर झटकार दिखाई है। समाई है
यादव स्टूडियो नाधा से दुनिया में गई धूम मचाई है। भैया यूट्यूब चैनल करिया मई से सुनो मेरे भाई है। आप जो बता सुन रहे हैं सोवेश भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से विशेष सहयोग करता है हमारे प्रमोद भैया जो गांव शिकारपुर वाले और मधुर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दंपर भैया कुकरैया वाले और सोवेश भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्त जितने भी हमारे विष्णु देवानंद महाराज गिरी महाराज जी के कार्यक्रम है जितनी भी कथाएं हैं जितने भी भजन हैं सभी सोवेश भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। और इसके जो प्रोपराइटर है हमारे निर्माता है भैया सोवेश और अभिषेक भाई करियामई वाले कृपाली यादव नाम मेरो तुम सुनो ध्यान दे भाई है। अरे जैसी कथा स्वामी जी की मैंने वैसे कलम चलाई है। अरे सात पदे 25 मिनट मेरी घड़ी अब रही अब जाई है। क्षमा करें भैया यहां से आगे जो विशेष कथाएं हैं बोलिए नंबर 5 का इंतजार करें। और हमारी जो अन्य कार्यक्रम है जो भी कार्यक्रम है सोवेश भैया यूट्यूब चैनल करें वहीं के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो